गुड मॉर्निंग यारो, और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो क्या हाल है यारो? तो अभी सवेरे के 6 बज चुके हैं और अभी मैं इस वक्त आया हूँ अपने गांव की नदी में बाढ़ देखने के लिए। ये अपने गांव की मुसिया नदी है, इसकी ओरिजिन होती है मुसीना का, जो शिवाली की पहाड़ियाँ वहाँ से ओरिजिन होती है। और हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग गए थे फार पैनक भीख मांगने के लिए। फार पैनक भीख हम लोग कल पूजा किए थे, मतलब परसों भीख मांगा था, कल पूजा किए। पूजा करने के बाद खेत जुटाए थे ट्रैक्टर से, रोटर बेटर से। तो कल पूरा काम वही ट्रैक्टर जुटाने में, आधा खेत जुटाए तो उसी में सब दिन भर निकल गया। मतलब खेत जुटाओ, कोनवा बराबर करो, खेत बराबर करो, जो मेर जैसे खेत नहीं जुटा ट्रैक्टर, तो जैसे एक खेत से दूसरे खेत जाते हैं तो मेड़ होती है, तो मेर पूरा बराबर कर देते हैं, तो पूरा मेरवा भी बांधो। तो दिन भर वो काम करने में लग गया। कल थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन आज रात में, मतलब रात 1:30 बजे के आसपास से इतना ज़्यादा बारिश होना, इतना भयंकर बारिश हुआ, कंटिन्यू बारिश हुआ, बूंदे नहीं टूटी। और उसी का नतीजा है जो आप पीछे मेरे बाढ़ देख पा रहे हो ना, क्या भयंकर बाढ़ आ गई है भाई। लास्ट टाइम भी इसी तरह बाढ़ आया था, अभी बाढ़ कहाँ तक था, यहाँ तक था बाढ़, ये निशान दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ तक बाढ़ था, अब घटने लगा है। तो इतना बड़ा बाढ़ आ चुका है यहाँ से वहाँ तक, ऐसा लग रहा है सरयू घाघरा नदी यहाँ बह रही है, इतना यहाँ से वहाँ तक पूरा जो जंगल दिखाई दे रहे हैं पीछे, वो जंगल में पूरा बाढ़ ही बाढ़ है। आप अब ऐसा अपने गाँव का सिस्टम ऐसा हो गया है सिचुएशन, अगर किसी को इमरजेंसी कोई काम पड़ गया ना, तो इस साइड से उस साइड नहीं जा पाएगा। बालापुर साइड में ना उस साइड में जाओ, उस साइड में जाओ कि 2 नदियाँ उधर ही पड़ेंगी, 3 नदियाँ इधर पड़ती है, ये मुसिया नदी, पथरावा नदी, दरवा नदी। तो ये तीनों नदियाँ नहीं है, अपने गांव के लिए हर्डल का काम करती है। जैसे कोई इमरजेंसी पड़ गया तो सब अपने गाँव में रह जाएंगे, ना कोई उस साइड से इस साइड आ पाएगा, ना कोई उस साइड से इस साइड आ पाएगा, और ना अपने गाँव से कोई बाहर जा पाएगा। इस समय अगर किसी को इमरजेंसी पड़ गई, मतलब कोई बीमार हो गया, ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाएगी, तो उसकी तो भाई लग जाएगी, बचने के चांस पर रहेंगे ना, फिर भी नहीं बच पाएगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। और भाई नज़ारा बढ़िया है, सवेरे सवेरे का मौसम है, सवेरे उठो, अभी बारिश ज़्यादा हो चुकी है, खेत में ज़्यादा पानी बह रहा है, तो वहाँ भी काम नहीं है, क्योंकि पानी निकाल के फिर उसका खेत बराबर किया जाएगा, हंगाया जाएगा हेंगा से, तब जाके बैठौनी बैठाई जाएगी। तो अभी यारों खेतों में ज़्यादा पानी है, इस वजह से हम लोग धान, मतलब जो खेत बराबर नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो खेत में पानी भरा है उस पानी को निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद जो कोनवा बनाना होगा, और जो ट्रैक्टर जोतता नहीं है तो पूरा मिट्टी इकट्ठा उड़ेल देता है, तो उसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो अभी पानी निकलने दो, उसके बाद बैथौनी बैठाई जाएगी। बिया हुआ थोड़ा बहुत कट चुका है, और आज दूसरे गांव से आ रहे हैं कुछ लोग, 8-10 लोग काम करने के लिए, तो उनके लिए भी मौसी उसे खाना बना रही। जब पानी कम हो जाएगा खेतों में, तो पानी को निकाल के तब उसे हंगाया जाएगा, तब जाके बैथौनी बैठाई जाएगी। तो हम लोग सवेरे सवेरे आ चुके हैं, बढ़िया सा ऐसी सुबह, काफ़ी मज़ा आई देख के। जो इस पिक्चर देख पा रहे हो ना, यहाँ पूरा खेत है, खेत पूरा नदी में चला गया है, इसमें लोग सब्जियाँ यहीं पे, कहीं खेत है यहीं बगल में, यहाँ भिंडी की सब्जी लगी पड़ी है, और ये पूरा बाहर जा रहा है, वहाँ अपना ग्राउंड मैदान है, वहाँ पे पूरा पानी भरा पड़ा है। यहाँ जो हम लोग चलते हैं, जहाँ डिप बना हुआ है, वहाँ पूरा पानी भरा पड़ा है, काफ़ी ऊँचे तक पानी भरा है। अभी जिससे ये पूरा समतल एरिया होता ना, तो पूरा बाहर का पानी गाँव में घुस जाता है, लेकिन थोड़ा गाँव अपने ऊँचास एरिया पर ना, तो इस वजह से पानी नहीं आ पाता। तो ये सवेरे का मौसम है, देख के मज़ा आया। तो अभी हम लोग चलेंगे, जैसे खेत जुट गया है ना, तो खेत बराबर करेंगे, खेत बराबर करने के बाद उसके बैठौनी बैठाई जाएगी, और कुछ लोग बैठौनी बैठाएंगे, कुछ लोग बिया काटेंगे। तो चलो चलते हैं, पहले नज़ारों का मज़ा लेते हैं, इंजॉय करते हैं इस बढ़िया सा खूबसूरत सा व्यू का, बाढ़ का, फ्लड का, और उसके बाद मिलते हैं यारों। अपने खेत पहुंच आए हैं फावड़ा लेके, जो हम लोगों ने कल खेत जुटवाया था, तो देख सकते हो आप
वहाँ से स्टार्ट हुआ था और वहाँ तक खेत जुटा है, और इस लाइन में भी वहाँ तक खेत जुटवा चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं अपने किसानी लुक में, सर पे पगड़ी और ये पजामा मतलब निक्कर और हाथ में फावड़ा, आ चुके हैं कोनवा बनाने के लिए। कोनवा क्या होता है, जो साइड वाला नहीं होता, जैसे ट्रैक्टर जोतता है तो ये वाला कोना छोड़ देता है, तो इसको हम लोगों को बनाना है। और जब ट्रैक्टर जुटाई करता है तो साइड साइड में जैसे चलते जाड़ा खेतों में तो बीच बीच में नहीं दिखाई दे रहा, वो मिट्टी इकट्ठा कर देता है, तो उस मिट्टी को जो जहाँ नीचे रहता है मतलब जहाँ खाल रहता है वहाँ पर मिट्टी फेंकना रहेगा, तो इसे बोला जाता है वो लूण हो जाता है, किनारे किनारी हो जब मारनी रहती है और कोना बनाना होता है। और जो गरौधा होता है, गरौधे पे माथी रखना होता है, मतलब ऊपर माथी रखना होता है। जैसे हम लोग जब बैठौनी बैठा लेंगे तो अभी तो थोड़ा थोड़ा पानी रोकना रहता है बैठौनी में, और जब बैठौनी हरी भरी हो जाती है, जड़ पकड़ लेता है धान के बीया में, तब पूरा जो मट्टी रहता है तो मट्टी पूरा गरौधे पे ढक दिया जाता है, पूरा भर दिया जाता है ताकि धान में ताकि ज़्यादा पानी रोक सके, क्योंकि बिना पानी रोके भाई धान की पैदावार तो होगी नहीं, इसलिए पानी मतलब गरौधा भर दिया जाता है और पानी फुल रोक दिया जाता है। पूरा बैठौनी बैठाने के बाद मिट्टी निकालेंगे तो बैठौनी बैठाई तो मिट्टी बाद में निकाल नहीं सकते ना, तो इसलिए पहले से तैयारी की जाती है। गरौधा के साइड साइड में हम लोग खेत से मिट्टी निकाल के रख देते हैं, इतना कुछ 2 फावड़ा 3 फावड़ा इसे इकट्ठा करके रख देते हैं ताकि बाद में हम लोगों के काम आए। तो आओ चलते हैं, और ये देख सकते हैं इधर वाला खेत कल ही साथ बराबर कर दिए थे हम लोग, और इस वाला लाइन बाकी रह गया है, तो यहाँ से वहाँ तक करना है और साइड में वहाँ तक करना है। तो आओ चलते हैं फटाफट, कोनवा बनाते हैं और कूंड लागते हैं यार।
किसान की जिंदगी, एक किसान की लाइफ, उसे जा रहा गर्मी बरसात नहीं देखा जाता, बस खेतों में जाके मेहनत करना है तो करना है। तो कल काफ़ी तेज़ बारिश हुआ था सवेरे सवेरे, अपने गांव में काफ़ी बड़ा बाढ़ आ गया था, उसके चक्कर में मतलब खेतों में पानी भर गया। तो हम लोग रोटर बेहतर से पूरा खेत जुटवा दिए। खेत जुटवाने के बाद क्या होता है, कोनवा बनाना होता है, किनारी खोदना होता है और लूण काटना होता है। लूण बेसिकली होता है क्या है, जैसे ट्रैक्टर जोत रहा है उसके पहिए नहीं मोटे मोटे पड़ते हैं तो मिट्टी इकट्ठा कर देता है, तो उस मिट्टी को जहाँ मिट्टी नहीं रहती है वहाँ उठा के फावड़ा से फेंकना होता है। वही हम लोग अभी सवेरे से कर रहे थे और अभी भूख भी लगने लगे, प्यास भी लगने लगा और अभी सब कुछ हो चुका है, मतलब कोनवा बराबर हो चुका है, कुछ खेत बाकी रहेगी उसे बाद कल परसों नरसों सब किया जाएगा, फिर बैलों से लाके हम लोग खेत हेंगाते ताकि मिट्टी जहाँ उठी हो जहाँ खाल हो सब मिट्टी बराबर पकड़ ले ताकि बैठाने में आसानी होगी। तो वही हम लोग कर रहे थे, हंगा चुके हैं चाचा जी। हंगाने के बाद एक दो खेत मैं भी हेंगा खींच दिया था, खींचने के बाद अभी जा रहे हैं घर पे खाना वाना खाने के लिए और जाके दिन भर आज बिया काटना है। बिया नहीं काटेंगे तो हम लोग बैठाएंगे का, तो चलते हैं, काफ़ी तेज भूख लग रही है तो खेतों में पहुँचते हैं यारों, खाना वाना खा के पैरों धुल के उसके बाद हम लोग बिया काटेंगे।